रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर तीखा हमला बोलते हुए जवाब मांगे हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हुए इस बार लोकसभा चुनावों में अनुराग ठाकुर को कैच आउट होने की बात कही है। हमीरपुर के हमीर होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रामलाल ठाकुर ने आज देश में कोई मोदी लहर नहीं है और बीजेपी के संकल्प पत्र में 5 साल पहले भी मोदी ने लोगों को छला है और अब इस बार जनता बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी में है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर तीखा हमला बोलते हुए जवाब मांगे हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हुए इस बार लोकसभा चुनावों में अनुराग ठाकुर को कैच आउट होने की बात कही है। हमीरपुर के होटल हमीर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रामलाल ने कहा कि आज देश में कोई भी मोदी लहर नहीं है और बीजेपी के संकल्प पत्र में 5 साल पहले भी मोदी ने लोगों को छला है और अब इस बार जनता बीजेपी को करारा जवाब देने की तैयारी में है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि आज मोदी पुराने प्रधानमंत्री को गालियां निकालने के साथ बुरा भला कहते हैं और स्वर्गीय राजीव गांधी के ऊपर की गई टिप्पणियों पर मोदी की मानसिकता का पता पूरी दुनिया को लग चुका है। भारतवर्ष में नहीं है, मोदी लहर ने जो मैं कहूंगा कि जो संकल्प पत्र दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कम था, मोदी का ज्यादा था। मोदी जी भाषण ज्यादा करते थे। संकल्प पत्र का मतलब यह है कि भगवान को हाजिर नाजिर रख के मैं संकल्प करता हूँ मैं ये काम करूंगा, लेकिन हुआ क्या, जो संकल्प पत्र में लिखा हुआ था किसानों के कर्जे माफ करने की बात थी, 15-15 लाख रुपए काले धन का ला के लोगों के अकाउंट में डालने की बात थी, महंगाई को कंट्रोल करने की बात थी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात थी, जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें कमी लाने की बात थी, किसानों ने जो आत्महत्या करी वो रिकॉर्ड बना 5 सालों के अंदर। अब मोदी उसके ऊपर कुछ भी कहने काबिल नहीं है, न लोगों में जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, पुराने प्रधानमंत्रियों को गालियां निकालते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। और जो मैं कहूँगा कि जो आज प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री जो के बारे में जो उन्होंने टिप्पणियां करी हैं वो पूरी दुनिया ने देखी है, उसके बारे में उनकी क्या मानसिकता है वो सारी दुनिया को पूरे भारतवर्ष को पता लग रहा है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर की रामलाल ठाकुर को हार का चौका लगाने वाले बयान पर रामलाल ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर इस बार कैच आउट होंगे क्योंकि अनुराग बताएं कि जम्मू में हिमाचल टीम बिना खेले ही कैप्टन बन गए थे और जम्मू में पहले गेंद पर आउट हुए थे और इस बार भी आउट होकर राजनीति से बाहर जाएंगे। रामलाल ठाकुर ने अनुराग ठाकुर से पूछा कि अनुराग बताएं कि नशों के काले कारोबार को किसने बढ़ावा दिया है। उन्होंने पूछा कि अनुराग ठाकुर बताएं कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से क्यों निकाला गया। रामलाल ठाकुर ने कहा कि बानर बिहार बनाने की बात कही थी और नसबंदी केंद्र का क्या हुआ है और अब बयान देते फिर रहे हैं कि नसबंदी के बाद बंदरों की संख्या क्यों बढ़ रही, इन सब का जवाब बीजेपी को देना होगा। कैच आउट भी हो सकते हैं, जो चौका मारने की जो दिल में रखे हुए ना वो कैच आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जब जम्मू में गए थे हिमाचल प्रदेश की टीम से, वो खेले खुद, प्रेसिडेंट थे क्रिकेट एसोसिएशन के, खुद ही जो है ना सिलेक्टर थे, अपने आप को कैप्टन सिलेक्ट कर लिया, खेले कहीं से नहीं, जब जम्मू में गए तो पहले बॉल पे आउट हुए, तो इस बार भी पहले बॉल पे आउट होंगे। भाई वो तो अनुराग को पूछ लो कि अनुराग ये बताएं कि जितने केसेस हुए कब कब हुए, उनकी सरकार ने क्या क्या किया, हमारी सरकार में क्या क्या हुआ था, ये रिकॉर्ड का वो है, अनुराग के बोलने से थोड़ी होगा। मैं अनुराग से सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वो ये बता दें कि आपको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैनशिप से क्यों निकाला। जस्टिस लोढ़ा की जो एक वन मैन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था, उसकी जो है वो क्या रिकमेंडेशन थी और उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से क्यों निकाला, उसका उत्तर दे दें। दूसरे मैं कहना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री बने थे प्रेम कुमार धूमल साहब, उससे पहले मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था, उन्होंने कहा कि ये हमीरपुर में बानर बिहार बनाएंगे, उनकी अनाउंसमेंट है, मेरी तो नहीं है ना, तो बानर बिहार हमीरपुर में बनाने की धूमल साहब ने बात करी थी, लेकिन जो स्टरलाइजेशन सेंटर है वो भी तो हमीरपुर में धूमल साहब ने को किया। आज कह रहे हैं कि जी स्टरलाइजेशन करने के बाद बंदरों को छोड़ दिया, ये मोदी साहब से पूछो कि भाई वो बानर बिहार कहाँ चला गया और ये जो स्टरलाइजेशन सेंटर है ये जो उन्होंने खोला है, अगर बंदरों की नसबंदी हुई है
वो उसका तरीका है, कहाँ छोड़ने कहाँ नहीं छोड़ने, वो उनको देखना है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ऊना में 10 मई को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा है, जिसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के तमाम आला पदाधिकारियों के साथ ऊना में बैठक करके अंतिम रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा से रैली में लोग ऊना में पहुंचेंगे। हमारी जो इंचार्ज है रजनी पाटिल जी और प्रदेश के जो सीनियर लीडर्स हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट, सीएलपी के नेता और जिलों से भी जो है वो हमारे सीनियर लीडर्स को वहाँ पे बुलाया गया था। कल मीटिंग हुई है और मीटिंग में सारा तय हुआ है कि क्या होना है, कैसे कैसे लोग जो आएंगे, मोबिलाइजेशन कैसे होगी। तो वो कल की मीटिंग में हमीरपुर उसमें ऊना में ये सब कुछ फाइनल हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि उसमें हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो लोग ऊना में पहुँचेंगे। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अनीता वर्मा, अनिल वर्मा, नरेश ठाकुर, अजय शर्मा भी मौजूद रहे।